हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है फंडामेंटल एंड टेक्निकल स्ट्रॉन्ग स्टॉक के एक और वीडियो में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथान एलॉयज़ लिमिटेड के बारे में इसका हम लोग देखेंगे कि ये, ये कंपनी काम क्या करती है इसका क्या काम है फिर हम लोग इसका फंडामेंटली एनालिसिस करेंगे ये फंडामेंटली कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है फिर उसके बाद हम लोग इसे टेक्निकल चार्ट पर देखेंगे कि ये टेक्निकली हमें आने वाले टाइम में कहाँ तक के टारगेट अचीव करता हुआ दिख सकता है इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें और मेरे द्वारा चलाए गए टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं उसमें डेली बेसिस पर आपको कुछ ना कुछ पॉजिशनल ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्टॉक्स वहाँ डेली बेसिस पर सजेस्ट करता हूँ तो आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं तो उसका लिंक जो है टेलीग्राम का लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप वहाँ जाकर उसमें ज्वाइन कर सकते हैं तो चलिए हम लोग कंपनी के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं कंपनी करती क्या कंपनी मैथान एलॉयज इज़ इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग ऑफ ऑल थ्री बल्क फेरो एलॉयज़ ये मतलब तीन तरह के जो बल्क फेरो एलॉयज़ है इसको एक्सपोर्ट करने का और मैन्युफैक्चरिंग करने का, का काम करती है अब ये तीन तीन एलॉयज़ क्या है फेरो मैगनीज़ सिलिका मैगनीज़ एंड फेरोसिलिकन ये तीन तरह के जो एलॉयज़ हैं इसको एक्सपोर्ट करने और मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है अब ये फेरोमैगनीज करता क्या है फेरो सब का देखिए की पॉइंट है फेरो अब ये जो ये सारी चीज़ जो होती है क्या होती है फेरो एलॉयज आर एलॉइंग एलिमेंट्स डेट इन्हेंस स्टील स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी एंटी कैरजन एंड एंटी स्टेंथ प्रॉपर्टीज ये सारी चीज़ जो यूज होती है स्टील में स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करने के लिए यूज होती है उसको उसको जंग से बचाने के लिए यूज होती है और भी बहुत सारे करेक्टर उसमें डालने के लिए ये सारे चीज़ यूज़ होती है ये सारे एलॉय अब फेरोमैगनीज एलोए क्या करती है देखिए इसमें अगर देखें तो ये लो मेल्ट पॉइंट केरोजोम केरोजीन प्रूव ये सारे जो है की फीचर इसमें है ये सारी चीज़ करती है अगर हम लोग सिलिकन मैगनीज के बारे में बढ़े तो ये हाई स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्योरिटी प्रोवाइड करती है तो ये सारी चीज़ें सिलिकन मैगनीज प्रोवाइड करती है और अगर देखें फेरोसिलिकन क्या करती है ये भी हाई प्योरिटी प्रीसियस कंपोजिशन रिजिडिटी ये सारे चीज़ें ये प्रोवाइड करती है तो ये सब ये सब चीज़ जो है स्टील स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए ये सारे एलवाइज का यूज़ पड़ता है और अगर कंपनी का इस कंपनी का कस्टमर की बात करें तो देखिए कस्टमर जितने भी स्टील सेक्टर से रिलेटेड शेयर हैं जितने भी स्टील सेक्टर से रिलेटेड कंपनी हैं सारे इसके पार्टनर हैं देखिए सेल जे एस एल जी एस डब्ल्यू चाइना स्टील हुंडई स्टील कतर स्टील मतलब मल्टीनेशनल इसके पार्टनर भी हैं इंडिया से बाहर भी इसके पार्टनर हैं और इंडिया में इसके भी बहुत सारे कंपनी पार्टनर हैं और जैसा कि आपको मालूम है स्टील सेक्टर बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है तो ये सेक्टर ये जो कंपनी है इसकी भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है एलओय का दाम आज कुछ दिनों पहले इसका प्राइस इंक्रीज हुआ है जिससे कंपनी को डायरेक्ट इसमें मुनाफा होने वाला अब मुनाफा होगा तो ऑब्वियस बेसी बात है कि कंपनी में शेयर के दाम जो है बढ़ेगी तो अगर हम इसका फंडामेंटल देखते हैं तो ये तो बात की कंपनी का प्रोफाइल कंपनी काम क्या करती है अगर फंडामेंटल देखते हो तो फंडामेंटल में करंट मार्केट प्राइस से बुक वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो ऑलमोस्ट टू एंड हाफ़ टाइम हुआ है बुक वैल्यू फाइव ट्वेंटी थ्री रुपीज़ का है और करंट मार्केट प्राइस वन थाउजेंड वन हंड्रेड सेवेंटी थ्री रुपीज़ का है जो कि मेरे हिसाब से ये बुक वैल्यू चेंज होकर नाइन फिफ्टी रुपीज़ का हो जाना चाहिए अगर जिसके जिस हिसाब से इसका ई पी एस और सब चीज़ डाटा हो रहा है हो सकता है ये अपडेट हो जाएगा कुछ दिन में तो ये बुक वैल्यू आने वाले टाइम में चेंज हो जाएगा कुछ दिन में बट अगर हम इसका मार्केट कैप देखते हैं तो थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी के पास रिजर्व वन थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन्टी टू करोड़ है मतलब ऑलमोस्ट फोर्टी सेवन फोर्टी फाइव परसेंट कंपनी के पास रिजर्व है मार्केट कैप का जो कि फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अट्रैक्टिव है अगर स्टॉक का पी देखते हैं पी भी बहुत अट्रैक्टिव है फोर्टीन का पी ये जो कि बताता है कि कंपनी बहुत ही सस्ते वैल्यूशन पर अभी भी अवेलेबल है अब अगर हम लोग इसका क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं तो क्वार्टर में देखिएगा कि इसका सेल में अगर लास्ट फोर क्वार्टर में देखते हैं तो आपको देखिएगा कि अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है 266 करोड़ का सेल जून 2020 में हुआ था जो बढ़कर सितंबर 2020 में 409 करोड़ का हो गया है और दिसंबर 2020 में यही सेल 446 करोड़ का हो गया है और आज अभी जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया था उस हिसाब से मार्च ट्वेंटी में वन में इसका जो सेल है 499 करोड़ का हो गया था सेम अगर यहीं पर इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको दिखेगा कि 41 करोड़ से लेकर जी जो जून 2020 में 41 करोड़ का था जो आज की डेट में बढ़कर 111 करोड़ हो गया जो कि लास्ट 8-10 क्वार्टर में इतना बड़ा प्रॉफिट कंपनी को नहीं हुआ है अगर इसके परसेंटेज के टर्म में इसका प्रॉफिट देखते हैं तो लास्ट क्वार्टर में इसका प्रॉफिट 16 परसेंट था जो आज के डेट में बढ़कर 22 परसेंट हो गया है और अगर इसके ईपीएस की बात करें लास्ट फोर क्वार्टर के ईपीएस की बात करें तो ट्वेल्व रुपीज़ से ट्वेल्व का ईपीएस पी स्टार्टिंग पर से ट्वेल्व रुपीज़ का था जो बढ़कर आज के डेट में ट्वेंटी नाइन पॉइंट थ्री रुपीज का हो गया जो कि डबल से भी ज्यादा है अगर हम इसके एनुअल रिपोर्ट पर जाते हैं एनुअल रिपोर्ट पर जाते हैं तो देखते हैं अगर आपको देखिएगा तो इसका जो है मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन में का सेल थोड़ा कम हुआ है मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी के मुकाबले बट अगर आप उसको स्मॉल टाइम फ्रेम में देख रहे हैं मतलब क्वार्टरली देख रहे थे तो आपको दिख रहा है कि स्टार्टिंग के क्वार्टर में जो है दो क्वार्टर में थोड़ा परफॉर्मेंस खराब था कोरोना का टाइम था इसका कारण से थोड़ा परफॉर्मेंस खराब था बहुत सारे कंट्री से बैंड था तो इसका जो माल है एक कंट्री से दूसरे कंट्री नहीं जा पा रहा था इस कारण से उसको थोड़ा सा लॉस उसको थोड़ा सा वहाँ पर कमी आई थी प्रॉफिट उतना नहीं कर पाया था बट अगर ये अभी जिससे हर चीज़ ओपन हो रही है तो आपको दिखा कि लास्ट क्वार्टर में इसका प्रॉफिट अचानक से अच्छा सा इंक्रीज हुआ तो इस कारण से ये प्रॉफिट थोड़ा कम दिख रहा है लेकिन अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने लास्ट ईयर से बढ़ाया है टू करोड़ से लेकर बढ़ाकर 292 करोड़ कर दिया है जो कि ऑलमोस्ट 40 टू 42 करोड़ ज़्यादा है इसमें कंपनी की मैनेजमेंट की खासियत है कि इसने सेल कम होते हुए भी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बढ़ा दिया लास्ट ईयर के मुकाबले क्यों देखिए अगर इसका एक्सपेंस को देखें तो एक्सपेंस में इस कंपनी ने कटौती कर दिया है ऑलमोस्ट टू हंड्रेड से ज़्यादा करोड़ का कटौती किया है जिसके कारण से इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा नजर आ रहा है परसेंटेज के टर्म में अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें इसका प्रॉफिट तो थर्टी से बढ़कर ये एटीन हो गया जो कि फाइव का इंक्रीमेंट हुआ है इसके प्रॉफिट में अगर ईपीएस की बात करें तो लास्ट ईयर में इसका ईपीएस पी सेवेंटी था जो आज के डेट में बढ़कर सेवेंटी पॉइंट हो गया है जो कि ये सारी चीज़ें फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आ रही है अगर इसके बैलेंस शीट पर हम लोग एक नजर दौड़ाते हैं तो अगर देखिएगा आपको कंपनी के पास मार्च 2010 में 107 करोड़ का रिजर्व था 107 करोड़ का रिजर्व था जो आज की डेट में बढ़कर करोड़ का हो गया है और कंपनी के पास बोरोइंग देखें तो सिर्फ नाम मात्र का फोर्टी नाइन करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास सॉरी बोरोइंग है कंपनी के पास जो कि बहुत ही कम है रिजर्व की तुलना में अब अगर हम इसमें इन्वेस्टर को देखते हैं तो इन्वेस्टर भी इसमें काफ़ी अच्छा प्रमोटर प्रमोटर की होल्डिंग 74.99 मतलब देखिए स्टॉक बहुत अच्छा रनर रनअप अप भी दे दिया फिर भी ये लोग बने हुए हैं मतलब इनको मालूम है कि इसमें कितनी स्ट्रेंथ है ये अभी और कहाँ तक का टारगेट हमें दे सकता है इन लोगों को मालूम है तभी इन लोगों ने अपनी पोजीशन थोड़ी सी भी हल्की नहीं की है जो 74.99 का पोजीशन जिसने टू में था वो पोजिशन को अब तक इस प्रमोटर ने बनाए रखा है और अगर पब्लिक को देखते हैं तो पब्लिक ने अपने अपनी हिस्सेदारी जो है बढ़ाइए ट्वेंटी टू पॉइंट एट फाइव से बढ़ाकर इस ला इस करंट क्वार्टर में ट्वेंटी फोर पॉइंट जीरो एट कर दिया है परसेंटेज के टर्म में अब हम लोग चलते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कंपनी कहाँ तक के टारगेट हमें ये स्टॉक आने वाले टाइम में हमें दिखा सकता है तो फ्रेंड्स आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस और हम लोग कैसे रेगुलर बेसिस पर मंथली 20 टू 30 परसेंट का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं एनुअली 40 टू 60 परसेंट का रिटर्न कैसे जनरेट करें तो ये सारी चीज़ें मैं अपने ट्रे, ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताता हूं तो आपको अगर सीखना है तो यू यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है व्हाट्सएप का नंबर दिया आप उसको कॉन्टैक्ट करके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं वैसे तो मैं यूट्यूब पर मोटा मोटी जो है बहुत सारी चीज़ें नॉलेज शेयर करता हूँ बट अगर आपको एक बार में सारी चीज़ें सीखनी है तो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी अटेंड कर सकते हैं या फिर जिसे ट्रेनिंग प्रोग्राम जो ट्रेनिंग प्रोग्राम को नहीं अटेंड कर सकते हैं पैसे की कमी है तो आप जो है ये यूट्यूब में जो मैं डेली बेस पर जो जो वीडियो डालता हूँ तो आप वहाँ से भी हर दिन कुछ ना कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं और बट मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ही नॉमिनल चार्ज चार्ज पर अवेलेबल है तो उतना मेरे को नहीं मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को नॉलेज लेने में इतना छोटा अमाउंट पे करने में कोई भी दिक्कत आएगी तो चलिए अब हम लोग देखते हैं टेक्निकल इसमें सबसे पहले तो आपको देखिएगा कि ये जो है एक कप पैटर्न एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ऑलरेडी ब्रेकआउट हो गया ये एक देखिए कप का पैटर्न है कप पैटर्न का ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है अगर इसको देखिएगा तो ये देखिए इसका एक शानदार ब्रेकआउट हुआ ब्रेकआउट करके स्टॉक ने इसको रिटेस्ट किया रिटेस्ट करके अब इसने अपने हाई को भी ब्रेक कर दिया मतलब कंपनी सबसे पहले तो एक राउंडिंग बॉटम का वो जो हाई है नेक लाइन है उसको ब्रेक करती है ब्रेक करने के बाद फिर इसी लाइन को रिटेस्ट करती है फिर अपना नया जो मूव है वो स्टार्ट करती है तो अगर इसका टेक्निकली हम लोग टारगेट देखते हैं टेक्निकली हमें आने वाले टाइम में कहाँ तक ये टारगेट अचीव करके दिख सकता है अगर तो हम लोग टेक्निकली इसमें टारगेट ड्रॉ करें तो ये टारगेट निकल कर आ रहा है आपको मैं आपको चार्ट पे दिखा रहा हूँ ये टारगेट ये टारगेट फ्रेंड्स आपको दिख रहा है ये टारगेट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1700 का टारगेट ये टेक्निकली चार्ट पर दिखाता हुआ नजर आ रहा है बट ये अगर हम लोग यहाँ से देखें अगर करंट मार्केट प्राइस से देखें तो इसका टारगेट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर मैं अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस से इसका टारगेट की बात करें तो ये फोर्टी परसेंट का टारगेट है तो ये फोर्टी परसेंट का टारगेट मुझे लगता है ये वन टू एक से दो महीने में ये टारगेट आपको आराम आराम से वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड का टारगेट आपको आराम आराम से अचीव करता हुआ ये स्टॉक दिख सकता है और आपके अगर रिस्क की बात करें तो स्टॉप लॉस रिस्क इसका फ्रेंड्स ये सपोर्ट लाइन 960 के आसपास का सपोर्ट है तो ये बहुत ही छोटा रिस्क और रिवार्ड आपको बड़ा दिख रहा है तो आप इस यहाँ का सपोर्ट पर यहाँ का स्टॉप लॉस लगाकर इस स्टॉक लगा पर अपनी पोजीशन बना सकते हैं और यहाँ तक के रिटर्न के लिए आप बैठ सकते हैं अगर जो थोड़ा छोटा टाइम इतना इतना ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते हैं तो उनके लिए अगर टारगेट की मैं बात करूँ तो उनके लिए टारगेट निकल कर आ रहा है जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वन वीक टू वीक के लिए तो उनके लिए टारगेट निकल कर आ रहा है फ्रेंड्स वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड का तो अभी भी आपको यहां से जो छोटे छोटे वन वा, वीक के लिए वन वीक फाइव टू टेन डेज फाइव फाइव डेज के लिए अगर इस स्टॉक को लेना चाहते हैं तो आपको वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड का टारगेट आने वाले टाइम में मिलेगा अगर आप थोड़ा सा होल्ड करते हैं थोड़ा सा पेशेंस दिखाते हैं तो कंपनी आपको वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड के टारगेट भी अचीव करता हुआ दिखा सकता है ओके okay, फ्रेंड्स फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय